हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर का और TVS राइडर का कंपैरिजन भी करेंगे, थोड़ा सा राइड रिव्यू दोनों को चला के देखेंगे, प्राइस वगैरह सारी चीज़ के बारे में आज मैं इसके बताने वाला हूँ आपको। सो आई थिंक बिना किसी देरी के हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी सुपर मेसी के साथ हीरो स्प्लेंडर के। चलो लेट्स गो। सो भाई स्टार्ट करते हैं हम स्प्लेंडर के साथ राइडर का कंपैरिजन, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंट हेडलैम्प से। सो इसमें देखो आपको मिलने वाला है हैलोजन बल्ब और ये एक वाइट DRL। वहीं अगर मैं राइडर की तरफ आ जाऊं सो इसमें आपको ये DRL मिलेंगे। ये देखो मैं ऑन करके दिखाता हूं ये, और आई थिंक पास, अच्छा स्टार्ट और पास नहीं चलेगा, बट ऑल LED सेटअप। बल्ब वाले इंडिकेटर इसमें भी हैं, बल्ब वाले इंडिकेटर इसमें भी हैं। टेलीस्कोपिक फोक दोनों में। टायर साइज एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टायर साइज क्या है इसका, 80/17। तो इसमें 80 विद होती है, 100 इंच की इसकी हाइट होती है ये वाली, और 17 इंच का डायमीटर होता है रिम साइज। सो ये हो गया ठीक है। और इसका अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो 80/18, अच्छा इसमें 18 इंच का रिम है। तो मतलब अगर डायमीटर के हिसाब से देखें तो ये टायर साइज बड़ा है, बट बाकी सब कुछ सेम है, टायर की विद हाइट वगैरह सब सेम है। ठीक है ठीक है। इसमें भाई आपको मिलने वाले हैं 5 गियर, इसमें आपको वही 4 गियर मिलते हैं। हैंडल बार की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड होती है इस पर। वहीं TVS राइडर की बात करूं तो भाई काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर मिलने वाला, थोड़ा सा स्पोर्टियर पोस्चर है इसका। बाकी लीवर की क्वालिटी इसमें नॉर्मल है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो मैं कहूँगा लाइक 180 वगैरह में जो आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लीवर्स दिए हैं इन लोगों ने। और इसमें एक चीज़ ये देख रहे हैं ना आप, डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको इसमें है डिस्क ब्रेक। ये इस वाले मॉडल में फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बाकी डुअल डिस्क ब्रेक का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है TVS राइडर में। और स्प्लेंडर में अपना कोई डिस्क ब्रेक नहीं आता, ना ही सिंगल आता है ना ही डुअल आता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है बाकी है का। और यह है इसका कुछ डिजिटल कंसोल, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है, आई थिंक यहाँ से मोड चेंज होता है ये। अच्छा इसमें नाम भी लिखा आ रहा है, जो ओनर है ना उसका नाम आ रहा है, अगर आपने देखा ट्रिप है ट्रिप भी ओडो। बस बाकी ये आपका एवरेज फ्यूल यहाँ दिखाने लगेगा शायद जब गाड़ी स्टार्ट होगी। ये फ्यूल आ गया आपका, स्टैंड का लाइट आ गया, इंडिकेटर्स का लाइट आ गया, हाई बीम लो बीम, इंजन चेक लाइट, बैटरी लो इंडिकेशन, लो फ्यूल इंडिकेटर और न्यूट्रल का, सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं। बाकी अगर यहाँ मैं बात करूँ इस वाले कॉकपिट की तो भाई यहाँ तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपको दिख ही रहा है ये डिजिटल के साथ साथ कलर TFT है ये। सो इसमें क्या क्या मोड है, इसमें भी ट्रिप है ट्रिप भी, रेंज एवरेज 40 km/L अभी दिखा रही है, बट यहीं एक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी से बता दूं कि ये दोनों का एवरेज जो है ना लगभग सेम है, बट इसका थोड़ा सा कम है, लगभग ये 55-60 का देती है और वो 60-65 का देती है। सो इतना डिफरेंस है नहीं दोनों के एवरेज में। बाकी आता हूँ इंजन की तरफ, सो इसमें आपको मिलता है 100 cc का 8 PS पावर प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क का मुझे पता नहीं, मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा। बाकी इसका रिव्यू मैंने कर रखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। इंजन है इसका 125 cc का, पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 12 BHP के आसपास, और पीछे का टायर साइज भी इसका ज़्यादा हैवी है। कांगे टायर साइज आई थिंक 190/17, और इसका टायर साइज कहाँ ही हैगा 80/118। इसका टायर पतला है, इसका अच्छा है, यानी कि इसकी रोड की ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। और एक मेजर चेंज ये दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें डुअल टेलीस्कोपिक रियर फोक है, इसमें भाई सिंगल माउंटेड रियर मोनोशॉक है, सो ये ज़्यादा स्टेबल है। बाकी रियर दोनों का कुछ ऐसा, LED बल्ब बैक लाइट में, इंडिकेटर भी LED हैं, सॉरी हैलोजन बल्ब है वो लाइट इसका, यार मैं भूल गया, और इसका भी हैलोजन है, ये अपना LED इंडिकेटर हैलोजन। बाकी यहाँ रिफ्लेक्टर हैं, दोनों के पीछे रिफ्लेक्टर भी मिलेगा आपको, नंबर प्लेट लाइट तो मिलेगी। अब एक बार दोनों को स्टार्ट करके साउंड सुनवाता हूँ। तो स्प्लेंडर का साउंड कुछ ऐसा आ रहा है,
तो कुछ ऐसा साउंड है स्प्लेंडर का। अच्छा चलो, तो तुम एक्सीलेटर दे दो, और दो थोड़ा, अब बंद कर दो गाड़ी। चलो मैं स्टैंड लगा देता हूँ बस। बहुत बड़ी रिटर्न। सो भाई देखो, ये इसमें आता है इंजन कट ऑफ सेंसर। वैसे कि न्यूट्रल पे कोई काम नहीं है, बट उन्होंने एक दे दिया है सेफ्टी के लिए। बाकी इसमें भी इंजन कट ऑफ सेंसर आता है स्टैंड के साथ। अगर आप स्टैंड नहीं लगाओगे, ये भी स्टार्ट नहीं होगी, बट गियर में, न्यूट्रल में स्टार्ट हो जाती है, बट ये न्यूट्रल में स्टार्ट नहीं होती भाई। और क्लच लेके स्टार्ट होती है न्यूट्रल में भी। सो ये मुझे कुछ मतलब बात समझ में नहीं आई, TVS क्या करा ये। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आपको किसका बेटर लगा दोनों में कमेंट करके बताओ। और अब चलते हैं एक छोटी सी राइड रिव्यू लेने के, आपको क्या बाइक आपके हिसाब से प्रीफर करनी होगी। सो अभी चलते हैं सीधे राइड के ऊपर, मिलते हैं आपसे सीधे राइड पे। चलो आ चुके हैं अभी स्प्लेंडर के ऊपर, और जैसा कि कहा कि स्प्लेंडर सुपर मेसी, सो चलाने में काफ़ी निम्बल है, ये भी अजाइल है। अभी जब हम उसे राइड करेंगे तो देखेंगे कि वो कितना इसके कंपैरिजन में अजाइल है। बाकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका, सॉफ्ट क्योंकि जैसा मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये एक कम्यूटर बाइक है, डेली यूज़ के लिए बाइक बना हुआ है। सो जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्टिफ साइड पे नहीं है। तो सॉफ्ट इसीलिए है ताकि आपकी जो कम्यूट है ना डेली का, वो आपको बिना थकान के वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ तक आप जाना चाह रहे हो। मतलब जहाँ भी जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं भी अपनी शॉप पे जा रहे हो, जहाँ भी जैसा जा रहे हो आप, तो वहाँ आप बिना थके इसे राइड करें। चाहे भले से ही 30 किलोमीटर का राइड हो या 40 किलोमीटर का, तो आप बिना थके आराम से उस तक टाइम टू टाइम अपने पहुँच जाएँ। फ्यूल इकोनॉमी भी आराम से 60-70। अभी देखो अगर एवरेज किलोमीटर पर एवरेज अभी देखो 100 का तो अब दिखा रहा है, बट खैर इतनी स्पीड पर तो आप क्या ही चलोगे। अगर मान लो 60-70 भी आप चलोगे, देखो 82-50 की स्पीड पे, तो 70-65 का एवरेज कहीं नहीं गया आपका, अगर आप 70-60-70 चलते हो तो सिंगल हैंड पे। बाकी चार्जिंग पोर्ट इसमें मैंने आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है। हैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। सीट की जो विथ है वो तो बेशक थोड़ी कम है, बट जो कंफर्टेबल सीट है ना, काफ़ी कुशनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका। फ्यूल टैंक इसका भी अराउंड वही 10 से 11 लीटर का होगा जहाँ तक है। बाकी E20 सर्टिफाइड है ये भी। सो BS7, BS6 Phase 2, और E20 का मतलब होता है कि इथेनॉल 20, मतलब आपका जो पेट्रोल है ना उसमें 20% इथेनॉल मिक्स होता है। सो अब इथेनॉल से अच्छा गवर्नमेंट भी क्या है यार, मतलब जो अब पुरानी बाइक है जो ये सपोर्ट नहीं करती इथेनॉल, इथेनॉल में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जब आपके इंजन में जाएगा सो वो इंजन को डैमेज करेगा, तो उससे तो वैसे भी पोल्यूशन बढ़ेगा जब इंजन डैमेज होगा तो। और जो नई बाइकें हैं वो इससे एफिशिएंट तो हैं, बट उतना लॉन्ग टर्म वो शायद ना चल पाएँ। चलो खैर इस पर आते हैं हम वापस बाइक पर। बाकी आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलने वाला है, मैंने यहाँ दिखाई दिया आपको वो कराउंड में। और अभी हम दो लोग हैं और बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर रहे हैं इसे, क्योंकि सीट जो है ना, सीट बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब लंबाई में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो दो लोग बहुत ही कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। बाकी थ्रोटल रिस्पॉन्स तो इन बाइकों में, मतलब गेयर बॉक्स वगैरह की मैं क्या बात करूँ, ठीक है, अच्छा है, मतलब कम्यूट करने के लिए सॉफ्ट साइड पे ही है, ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं है। थ्रोटल रिस्पॉन्स भी ठीक है, i3S की टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाएगी। क्लच भी लाइटर साइड पे ही है, और आई थिंक ऐसा और कुछ इसमें बात करने का होगा नहीं। सस्पेंशन मैंने बता ही दिया, बहुत सॉफ्ट साइड पर। टायर हाँ इसके राइडर से पतले हैं, जैसे मैंने वो कराउंड में आपको बताया ही था। बाकी उसमें आपको जो मोनोशॉक मिलता है ना, उसकी वजह से शायद आपकी हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ा सा। अभी जैसे ये ट्रक आ रहा है ना, अभी मैं इसे तेज चलाऊँ 70-80 और ये ट्रक निकला, सो ये बाइक यूँ करेगा वोबल टाइप का, वोबल नहीं मतलब हिलेगा ये बाइक। क्यों? क्योंकि हवा का प्रेशर इतना होता है, लाइट वेट मोटरसाइकिल है, सो हिलेगा। बट वहीं अगर मैं बात करूँ सिटी राइड्स की, तो भाई सिटी राइड्स में ये आपको इंजॉय करा देगा, क्योंकि इतना हल्का है सो आप इजीली निम्बल करोगे। किसी भी आप अगर ट्रैफिक में चलाओगे ना, यूं पीछे से इतनी दूर हॉर्न दे रहा है भाई, चला नहीं रहा है, समझ रहे हो। सो फिलहाल अभी इस बाइक के बारे में आई थिंक यही था, क्योंकि अब मैं इस बाइक को देखो ऑन नहीं करता हूँ, तो डिसएडवांटेज शायद मैं इसके इतने ना बता पाऊँ। फिलहाल मैंने जो जो फील किया अभी तक चलाने हैं मैंने आपको बताया। अभी स्विच करते हैं राइडर के ऊपर, उसके ऊपर व्लॉग को फिर एंड भी करेंगे। चलो लेट्स गो बॉयज़। सो बॉयज़ आ चुके हैं TVS राइडर के ऊपर,
और बैठते जो सबसे पहली चीज़ फील हुई है वो है भाई अटेंशन टू डिटेल, मतलब जो कि इस पर यूज़ हुआ है सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी चीज़ जो फील हुई है वो ये कि पावर बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, थ्रोटल रिस्पॉन्स भी उससे ज़्यादा बेटर है। अच्छा आप जो मेन रीजंस है ना, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखो भाई ये बाइक आपको लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बाइक मोस्टली यंगस्टर के लिए है। यंगस्टर मतलब जो नई नई बाइक सीखते हैं ना, 17-18 साल के लड़के लड़के लड़कियाँ लड़के जो भी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पावर पैक फीचर है। 1,12,000 में लगभग आती है तो, और स्प्लेंडर भी अपनी 90-95,000 के आसपास आ रही है, तो डेफिनेटली 20,000 का फ़र्क तो है, लेकिन वो फ़र्क भाई जस्टिफाई करती है। आपको वो 20,000 में ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी, रोड पे चलाने के लिए ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन मिलेगा, ज़्यादा अच्छे लुक्स मिलेंगे, ऑल LED सेटअप मिलेगा। मतलब देखो 20,000 में जो आप 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके हिसाब से इसमें हर चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। डिजिटल TFT कलरफुल डिस्प्ले भी मिल रहा है, क्लच लीवर ब्लैक लीवर की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, रियर में मोनोशॉक मिल रहा है जिससे आपकी थोड़ी कॉर्निंग तो नहीं करोगे बट स्टेबिलिटी एक अच्छी होगी रोड पे चलने पे। सीट का कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है बाइक का, और फ्यूल टैंक का कैपेसिटी लगभग डिस्प्ले में मैं मेंशन कर दूंगा चेक करके एक बार, मुझे प्रॉपर पता नहीं बट साइज़ के हिसाब से 9-10 लीटर की तो होगी ही होगी। और माइलेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि माइलेज ये लगभग आपको वही 55-60 के बीच में आराम इजीली, बहुत इजीली दे देगी क्योंकि 150 सीसी का बाइक है, पावर भी ठीक ठाक डिलीवरी कर रहा है। भाई अब मैं इसकी बात करता हूँ आपको कि ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या स्प्लेंडर लेना चाहिए। बॉयज देखो मसला ये है कि स्प्लेंडर की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा चीपर हैं और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो इससे ज़्यादा प्रोवाइड है हर जगह। आप कहीं भी देख लो, लाइक मेरे एरिया में भी देखोगे आप तो हीरो का जो है वो TVS से ज़्यादा बड़ा शोरूम हैगा। बट अगर वहीं बात करूँ मैं TVS की तो वो बड़ा लिमिटेड, एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना डीलर टाइप वो है बंदा। डीलर में और एक प्रॉपर शोरूम होने में काफ़ी फ़र्क होता है। मेरे एरिए में जो है हीरो की सर्विस ज़्यादा बेटर है। मेरा ही बाइक है, मैं TVS के शोरूम पे जाता हूँ, मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी माइंड में भी रखनी है। बट अगर आपको एक प्रॉपर राइड चाहिए जिसका आप अच्छी राइड कर सकें और राइड को इन्जॉय कर सकें, सो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद दिस प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग प्रोडक्ट है भाई, 1,12,000 रुपये में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। पावर वावर सब बहुत बेहतरीन है। राइड रिव्यू, राइड चलाने में मुझे तो मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। स्प्लेंडर है ज़्यादा भाई, बहुत ही निम्बल है, बहुत ही अजाइल है, सीट का कम्फर्ट भी बहुत कम्फर्टेबल है। राइडिंग पोस्चर उसके मुकाबले थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पर, लाइक जो क्योंकि हैंडल बार है ना, वो लिटरली उन्होंने वही यूज़ करा है जो उनकी अपाचे 160 या 200 4V में आता है, वही हैंडल बार है। यहाँ तक के स्विचेस की इंडिकेटर्स की क्वालिटी वगैरह भी वही है। इट इज़ खैर, फिर मैं वही कहूँगा कि टोटली अप टू यू, आपको जौन सा लेना है वो ले लो। अगर आप ज़्यादा कम्यूट करते हो तो आप वो ले लो, बाकी एवरेज इसका भी अच्छा है, इससे भी आप डेली कम्यूट कर सकते हो। बट ये डेली कम्यूट के साथ साथ एक थोड़ा सा आपको लुक्स भी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करेगी, तो डेफिनेटली अगर क्योंकि प्राइस का डिफरेंट इतना है नहीं, आप इजीली 15-20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो भाई ये तो फिर कहना ही नहीं है। बाकी स्प्लेंडर अपनी देसी गाड़ी है, स्प्लेंडर की एक सुपर मेसी है मार्केट में, सो यू कैन गो विद स्प्लेंडर। खैर यही था आज के व्लॉग में, अगर मज़ा आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। चलो।